तो दोस्तों नाइका ने अपने क्वार्टर फोर के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर फोर के नंबर्स के अंदर। डाटा मिलियंस में है, मैं आपको क्रोज में कन्वर्ट करके समझाता हूँ कैसे क्या हुआ है। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 1788 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू, पिछले साल 1301 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 1667 करोड़ कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल से साल देखें तो साल से साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिले। ऑलमोस्ट बोल सकते हैं 27 से 28% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है। क्वार्टर क्वार्टर देखें तो क्वार्टर क्वार्टर कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक हल्की सी गिरावट भी आपको देखने को मिले। ऑलमोस्ट बोल सकते हैं वहाँ पर 5% के आसपास की गिरावट, 5 से 6% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिले। लेकिन मेरे हिसाब से आपको साल दर साल जज करना चाहिए, क्योंकि बेसिकली ये जो कंपनी है सीजन के हिसाब से काम करती है। तो साल दर साल देखें तो कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। मैं आपको बता दूं कंपनी ने शो कितना किया है, 1667 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू, जबकि मार्केट का अनुमान भी था कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो रेवेन्यू होगा 1630 करोड़ के आसपास है। तो आप कह सकते हैं कि मार्केट के अनुमान से कहीं ज़्यादा बेहतर देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के खर्चे क्या वो देखते हैं। पिछले क्वार्टर में 1770 करोड़ के आसपास खर्च किए थे, पिछले साल 1302 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 1655 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के खर्चे देखें तो कंपनी के खर्चे भी ऑन एन एवरेज कंट्रोल में ही देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में 17 करोड़ के आसपास के प्रॉफिट में थी कंपनी, पिछले साल लगभग 2 करोड़ के आसपास के प्रॉफिट में, जबकि अभी देखें तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 9 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला है। जी हाँ, कंपनी का प्रॉफिट अगर देखा जाए तो साल से साल तो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है, लगभग 4 गुना से भी ज़्यादा होता हुआ देखने को मिल रहा है। जबकि क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर क्वार्टर लगभग 50% के आसपास की गिरावट भी आपको देखने को मिली। तो क्वार्टर क्वार्टर कंपनी का प्रॉफिट गिरता हुआ देखने को मिला है, लेकिन साल दर साल एक अच्छी खासी तेजी भी आपको देखने को मिली। मैं आपको बता दूं कंपनी ने 9 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट शो किया है, जबकि मार्केट का अनुमान भी था कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 12 से 13 करोड़ के बीच में आता हुआ आपको देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर देखें तो मार्केट के अनुमान से कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको थोड़ा सा कम आपको देखने को मिल रहा है। EPS की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 6 पैसे के आसपास का EPS था, पिछले साल देखे तो 1 पैसे के आसपास, अभी देखे तो 2 पैसे के आसपास का कंपनी का EPS आपको देखने को मिला। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो कंपनी के नंबर थोड़े से मिक्स टाइप के आपको देखने को मिले। रेवेन्यू देखे तो मार्केट की जितनी उम्मीद थी उससे बेहतर है, लेकिन प्रॉफिट देखते हैं तो मार्केट का जितना अनुमान था कंपनी के प्रॉफिट को लेकर उससे कम आपको देखने को मिल रहा है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।